नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 14 जुलाई 2023 और दिन के दोपहर के 2:35 का वो समय है जो हमारी हमारी खुशी और हमारे साथ साथ पूरे देश और पूरे संसार की खुशी समाई हुई है। तो क्या है वो खुशी कारण? वो है, आप देख सकते हैं पीछे, चंद्रयान 3। तो क्या था चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले क्या हम लोगों ने चांद की यात्रा नहीं की? तो जवाब में यह है कि इसके पहले हमने चांद की 2 यात्राएं की और ये हमारी तीसरी यात्रा है। तो ईश्वर करे यात्रा सफल हो। अगर ऐसा होता है तो हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो आइए जानते हैं क्या कारण। 5 4 3 2 1 0 प्लस 5 सेकेंड्स लिफ्ट ऑफ नॉर्मल P1 ट्रैकिंग R2 ट्रैकिंग P2 ट्रैकिंग EM3। देखिए, जब कोई अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया जाता है, भेजा जाता है, तो एक युक्ति होती है जिसे हम रॉकेट कहते हैं। तो अभी इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे, पूरी जानकारी देंगे, अभी रॉकेट के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो ये रॉकेट का नाम, अभी हम फैक्चुअल बात करते हैं, तो रॉकेट का नाम LV-M3-M4 था, यानी लॉन्चिंग व्हीकल EM3-EM4। ये पीढ़ी होती है, जैसे आज रॉकेट बनाया गया, उसके बाद दूसरी पीढ़ी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, और उन रॉकेटों में हम सुधार करते गए। ये पीढ़ियां हैं EM3-EM4 टेक्नोलॉजी के आधार पर, समय के आधार पर। इसकी स्पीड कितनी है तो आप देखिए, 28,646, लगभग 29,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड ये चलता है। फिर स्थान देखते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। यानी अगर हम बात करें तो भारत के पूर्वी छोर पर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा थोड़ा नीचे, और यहीं पर है सार, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहीं से हमारे लगभग रॉकेट लॉन्च होते थे। इसके पहले हम लोग अमेरिका पर, ठीक है, फ्रेंच गुआना पर, और अखनूर, रूस, कजाकिस्तान, इन सब चीजों पर करोड़ों रुपया खर्च करते थे। जितने हमारे रॉकेट नहीं होता उतना हम लोग उनसे देते थे कि भैया हमको लॉन्च कर दो। खैर, स्टेप बाय स्टेप हमारे वैज्ञानिकों ने काफी सुधार किया, काफी इंप्रूवमेंट किया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हम लोग बहुत आगे हैं, इवन इतने आगे हैं कि हम लोग अब इसका कमर्शियल यानी वैश्वीकरण करने वाले हैं, देखते हैं इसका व्यवसायीकरण करने वाले हैं। तो इसरो के जो वर्तमान चेयरमैन है यश सोमनाथ, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। इसरो के चेयरमैन यश सोमनाथ, तो इसरो क्या है मेजर देख लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, ये बंगलुरु में है। और लागत इस पर आई 610 करोड़। इस पर लागत 610 करोड़ उतनी ही आई जितनी की आदि पुरुष पर आई थी। आपने देखी थी मूवी आई थी आदि पुरुष, जिसने हमारी रामायण के साथ उन फैक्टों पर, उन तथ्यों पर काफी खिलवाड़ किया था, बाद में उन लोगों ने माफी भी मांगी। तो जितने जितने की आदि पुरुष, कंट्रोवर्शियल मूवी आदि पुरुष आई थी, उतने में हमारा रॉकेट लॉन्च हो गया। दिन लगेंगे कितने दिन लगेंगे इसको, 50 दिन, लगभग 43 से 50 दिन ये दिन में पहुंच पाएगा। यानी 14 तारीख को ये लॉन्च हुआ और ये 22-23 अगस्त को शाम के 5:35 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। और इसमें अपना अमूल्य योगदान देने वाली महिला है, जिनका नाम है ऋतु करनाल। चित्र के जरिए से हम देख सकते हैं ऋतु करनाल। और इसके बाद देखते हैं, ये है इसरो के चेयरमैन यश सोमनाथ, और ये प्लेस देखते हैं श्रीहरिकोटा, ये है। तो ऋतु करनाल, सॉरी, महिला वैज्ञानिक हैं जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा, और ये मार्स मंगल मिशन की डिप्टी डायरेक्टर भी रही हैं। तो ये लखनऊ की रहने वाली हैं, ये हैं ऋतु करधाल, ये हैं, ये चित्र देखिए। उसके बाद देखते हैं लैंडिंग प्लेस। तो ये चंद्रमा, ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, ये मान लो ये हमारा यहाँ पर, तो ये हम पृथ्वी दिखा रहे हैं, तो चांद का दक्षिणी ध्रुव यानी 70 डिग्री, ठीक है। तो एक एक करके हम फैक्टों को समझते हैं। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंड करेगा। लैंड का मतलब होता है जब कोई यान या कोई वस्तु किसी भी ग्रह या किसी भी वस्तु के सरफेस पर लैंड करती है, उतरती है, जिसे हम कहते हैं लैंड और लैंडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
और ये कितने दिन रुकेगा? तो ये यान एक लूनर डे रुकेगा, एक लूनर। देखिए लूनर का मतलब क्या होता है, चंद्रमा का ही दूसरा नाम लूनर है, चांद का ही दूसरा नाम लूनर है। चांद हम लोग मून समझते हैं, और इसी का नाम चंद्रमा का नाम है लूनर। ये करीब 14 दिन यानी एक लूनर दिवस का मतलब हमारी पृथ्वी के 14 से 15 दिन। तो ये 14 से 15 दिन रुकेगा, क्योंकि चंद्रमा पर 14 से 15 दिन ही सूर्य की रोशनी होती है। उसके बाद देखते हैं इसमें लैंडर क्या है, तो लैंडर इसमें विक्रम है। रोवर क्या है, प्रज्ञान। तो उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम देखते हैं, लैंडर क्या होता है, ऑर्बिटर क्या होता है, रोवर क्या होता है, एक एक करके फैक्ट समझते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि रॉकेट प्रणाली, इसमें कौन सा रॉकेट लगा और किस प्रकार की इसमें प्रणाली है, किस प्रकार की युक्ति से ये यान पृथ्वी से अगर किसी ग्रह पर जाना है तो एक हमारे पास एक युक्ति होनी चाहिए जिसे हम रॉकेट कहते हैं। एक युक्ति होनी चाहिए, वो इतनी युक्ति फास्ट होनी चाहिए कि उसका पलायन वेग, पृथ्वी से पलायन वेग 11.2 सेकंड पर किलोमीटर होना चाहिए। कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इतना, अगर इतना वेग है, इतनी स्पीड है किसी युक्ति में, किसी डिवाइस में, तो हम बल्ब की जो एक लेयर है तब उसको हम पार कर पाएंगे, अदरवाइज पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है, तो पृथ्वी से किसी भी ग्रह पर जाने के लिए उसका पलायन वेग, उस यान का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। इससे कम हुआ तो वो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी जो लेयर है उसको पार नहीं कर पाएगा। तो इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अच्छा, एक और बात, ये रॉकेट का नाम है LBM3। LBM3 इतना बढ़िया रॉकेट है, इसका नाम है बाहुबली, इसका नाम है फैट वाय। इसका नाम बाहुबली रॉकेट है, इसका नाम फैट वाय, क्योंकि ये कई बार यात्रा कर चुका है, 40 बार अंतरिक्ष की यात्रा की, और उसमें एक या दो बार आंशिक असफलता के बाद उसमें 38 बार लगभग उसमें सफलता प्राप्त की। तो आइए समझते हैं। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, ये हमारा रॉकेट। ठीक है, तो ये हमारा रॉकेट, और रॉकेट क्या करता है, ये रॉकेट यहां लॉन्च हुआ, और लॉन्च क्या है, एक एक करके हम रॉकेट को विस्तृत समझने का प्रयास करेंगे। पहले यहां पर संक्षेप में समझते हैं, रॉकेट में हमने क्या किया, ये लगे हैं बूस्टर, और ये बूस्टर में हमने क्या किया है, ठोस ईंधन भर दिया है, इसमें ठोस ईंधन भर दिया। ये ठोस ईंधन ऐसा होता है जैसे हमारे दिवाली के पटाखे होते हैं ना, एक बार अगर उसमें आग लगा दी फिर उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, वैसे ही इसमें एक बार अगर हमने फ्यूल में आग लगा दी और इसको स्टार्ट कर दिया तो इतनी तेजी से इसमें गैसें निकलती हैं, इतनी तेजी से गैसें निकलती हैं कि वो जो भी यान है, युक्ति है, उसको एकदम ऊपर धकेल देती हैं। और इसे कहते हैं यस 200। अभी हम बताएंगे पूरी बात। ये रॉकेट बूस्टर लगे हुए हैं, इसके बाद इसमें इन दो बूस्टरों में क्या है, इन दो बूस्टरों में ठोस ईंधन भरा हुआ है, बीच वाले में लिक्विड इंजन भरा हुआ है, यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। क्रायोजेनिक इंजन तो अलग अलग समझते हैं। तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी, यह रॉकेट यहाँ से ये 14 जुलाई दिन के 2:35 पर लॉन्च हुआ। महज 16 मिनट में क्या हुआ, रॉकेट ने पृथ्वी को, रॉकेट ने इस अंतरिक्ष यान को क्या किया, चंद्रयान 3 को पृथ्वी की पलायन कक्षा से बाहर निकाल दिया और रॉकेट पीछे छूट गया। युक्ति होती है, ये देखते हैं हम चित्र। देखिए आप चित्र देख सकते हैं, ये रॉकेट है, थोड़ा चलने के बाद क्या हुआ, रॉकेट के दोनों बूस्टर ने अपना ईंधन समाप्त कर दिया, यानी और अंत में क्या, रॉकेट अलग हो गया और रॉकेट के कई टुकड़े हुए। आप चित्र के माध्यम देख सकते हैं ये टुकड़े हो गए हैं, और उसके बाद जैसे जैसे वजन कम होता हुआ तो इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। आप अंदाज लगा सकते हैं, आप यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितनी तेज चल रहा होगा, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इसकी है, कितनी तेजी से चल रहा होगा। और ये पृथ्वी को देखिए इसने क्या किया, पृथ्वी की ऑर्बिट को पार करने के बाद, पृथ्वी की ऑर्बिट पार करने के बाद ये देखिए यहां पर, यहां रॉकेट निकल गया, ये बचा है मॉड्यूल प्रोपल्शन यानी प्रणोदक मॉड्यूल, समझते हैं। देखिए ये है प्रणोदक मॉड्यूल, और यहां से ये पहुंच गया धीरे धीरे यहां पहुंचा, उसके बाद चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया। कई बार मैं ऑर्बिट शब्द कह रहा हूं तो बहुत लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता बता दूं, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा। किसी भी ग्रह की एक ऑर्बिट होती है। मान लिए हमारा एक कोई ग्रह है तो उसकी 100 बाई 100 किलोमीटर पहले की जो इर्द गिर्द एक लेयर होती है उसको हम कक्षा कह सकते हैं, उसका जो परिक्षेत्र होता है उसको कक्षा कह सकते हैं। तो ये चांद पर घूमता हुआ ये क्या करेगा, यहां पर लैंड करेगा। पूरी कहानी देखिए, बात कर रहे हैं ऑर्बिटर की,
ऑर्बिटर क्या है, लैंडर क्या है, रोवर क्या है, समझते हैं। ऑर्बिटर क्या है, लैंडर क्या है, रोवर क्या है। देखिए ऑर्बिटर का मतलब ये होता है कोई भी पिंड, कोई भी पिंड, मान लो ये हमारे पास, मान लो ये हमारा एक ग्रह है, तो इस ग्रह के परिक्षेत्र में 100x100 किलोमीटर का एक एरिया है, इसको कहते हैं ऑर्बिट, इसको कहते हैं ऑर्बिट, मतलब कक्षा। अब यान जो है गया, अब ये यान गया, ये मान लीजिए ये रॉकेट है, ये रॉकेट, ये वैसे तो ये पेन है, ये रॉकेट है हमारा, ये रॉकेट लॉन्च हुआ, पृथ्वी से लॉन्च हुआ 14 जुलाई को दिन के 2:35 महज 16 मिनट में, ये लॉन्च होने को महज 16 मिनट में क्या हुआ, इसका नीचे का जो है रॉकेट का एक बूस्टर, उसके बाद इधर का दोनों बूस्टर समाप्त हो गए, और उसके बाद करीब कुछ सेकेंड के बाद इसका बीच का भी फ्यूल समाप्त हो गया, और क्या हुआ, और हुआ ये कि ये जो है नीचे का रॉकेट अलग हो गया, ऊपर बची है युक्ति। और ये देखिए, ये है अंतरिक्षयान, जो आगे है अंतरिक्षयान, ये है मॉड्यूल प्रोपल्शन, ये है मॉड्यूल प्रोपल्शन, और ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और यही करीब 43 से 50 दिन के अंदर सब कुछ सही रहा तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये जा रहा है, ये हमारा है रॉकेट, ये रॉकेट यहां से, ये रॉकेट यहां पर देखिए श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ, और महज 16 मिनट में क्या हुआ, इसका ईंधन समाप्त हो गया, और इसने कहा हमारा भाई काम समाप्त हो गया, और ये पृथ्वी की पलायन कक्षा से बाहर निकल गया, उसने यहां पर उसको मॉड्यूल को भेज दिया। अब ये मॉड्यूल क्या करेगा, डे बाय डे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हल्का होता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और ये लगातार जैसे ही अगस्त शुरू होगा, यानी 1 अगस्त को ये चंद्रमा की ऑर्बिट में धीरे धीरे पहुंच जाएगा, घूमते 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 क्या होगा, फिर ये मॉड्यूल यहां से प्रोपल्शन मॉड्यूल निकल जाएगा, उसके बाद इसमें क्या होगा, एक डिवाइस आगे लगी हुई है, एक युक्ति लगी हुई है, जिसे हम लैंडर कहते हैं। लैंडर का मतलब एक, देखिए लैंडर का मतलब ये होता है, अभी बता रहा हूं, ये मान लो ये डिवाइस निकल गई, उसके बाद ये बचा है लैंडर, लैंडर ये लैंड करेगा, ये चंद्रमा की सरफेस से यहां पर लैंड करेगा, और लैंडर लैंड करने के बाद क्या होगा, इसमें से एक गाड़ी निकलेगी, गाड़ी ना छोटे बच्चे चलाते हैं ऐसी गाड़ी, 6-6 पहिए की एक कार टाइप की गाड़ी निकलेगी, और गाड़ी कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं, इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं, और बहुत ही स्पेशल इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी है, और बड़े बड़े तो नहीं लेकिन छोटे छोटे इसमें क्या लगे हुए हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो इसके अंदर की बैटरी को संचालित करेंगे, और ये धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि सॉफ्ट और हार्ड लैंडिंग क्या है, तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये होता है अगर कोई सरफेस पर आराम से उतर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग मतलब वो क्रैश हो जाना, इसका मतलब होता है वो क्रैश हो जाना। तो ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये हमारा लैंडर, ये लैंड हो गया, इसमें से गाड़ी निकलेगी, और वो चंद्रमा की सतह का अनुसंधान करेगी, देखेगी कहां पर क्या है। जी हमें बात कर रहा था कि हमें नए नए ग्रहों की खोज क्यों करनी होती है, नए नए ग्रहों की हम लोग यात्राएं क्यों करते हैं, इतना ज्यादा एडवेंचरियस वर्क होता है वहां तक पहुंचना, फिर उसकी यात्रा क्यों करते हैं, तो उसके जवाब में ये है कि नए नए अनुसंधान करना, नए नए ग्रहों पर जीवन की तलाश करना, ये सारे कार्य होते हैं कि वहां कुछ नया क्या है, वहां की गैसें क्या हैं, ये सारी चीजें हैं। तो अब आगे हम शुरुआत करते हैं रॉकेट की कार्यप्रणाली पर। तो रॉकेट की कार्यप्रणाली है क्या, तो आप देख सकते हैं चित्र में ये रॉकेट है और मैंने बनाने का प्रयास किया है, और ये चित्र के माध्यम से ये अलग रॉकेट आप देखिए पूरा जूम करके बढ़िया, ये रॉकेट के पार्ट है, ये रॉकेट है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ये चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 का ये जो रॉकेट है इसका नाम है LBM 4। तो ये है क्या, देखिए एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जो पृथ्वी से अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए हम यूज करते हैं, जिसे कहते हैं रॉकेट। तो एक ऐसी युक्ति जिसे हम पृथ्वी से पलायन कक्ष तक, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, वहां तक एक ऐसी, इससे लेकर करीब 180 किलोमीटर के ऊपर एक ऐसी परत है, एक ऐसी लेयर है जहां पर ग्रेविटी पावर जो है जीरो हो जाता है। ग्रेविटी पावर का मतलब ये होता है पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, आप बॉल को इसे उछालिए,
और क्या होगा, कुछ देर के बाद वो बॉल ऊपर जाने के बाद नीचे चली आई। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी सबको खींचती है। तो रॉकेट की कार्य लिफ्ट ऑफ नॉर्मल पीवन ट्रैकिंग। रॉकेट में आप देख रहे हैं ये लगे हैं बूस्टर, ये है रॉकेट बूस्टर, ये लगे हैं रॉकेट बूस्टर। और जब आपने उसको उस वीडियो को देखा होगा जो रॉकेट लॉन्च के समय का है, तो उसमें वो कहेगा ये देखिए उसमें कहा S200L S200L 110 ऐसे करके। तो ये क्या है आप ये समझते हैं, देखिए ये जो है ये है रॉकेट के बूस्टर, ये रॉकेट के बूस्टर है, ये स्टेज थ्री। जब रॉकेट लॉन्च होता है, देखिए जब ये रॉकेट लॉन्च हुआ और यहां से इसमें ठोस फ्यूल है, सॉलिड ईंधन है, एक तरीके से समझ लो दीपावली के जो क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, ठीक वैसा ही है। और इसमें एक बार आग लगने के बाद यानी इनको स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि इन पर कंट्रोल नहीं रहता है, ये बिल्कुल जब समाप्त हो जाएंगे तभी रुकेंगे, तभी इनका दहन जो है रुकेगा। तो रॉकेट बूस्टर है और ये स्टेज थ्री, स्टेज के माध्यम से समझते हैं ये है रॉकेट। ये दो बूस्टर लगे हुए हैं, ये दो बूस्टर लगे हुए हैं। तो स्टेज वन में S200, इनका नाम क्या है S200, उसके बाद S200 के बाद क्या हुआ, जब आगे चला गया रॉकेट तो उसके बाद फिर दूसरा स्टेज शुरू हुआ जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में इसको कहते हैं L110। तो L110 कहाँ है, तो ये है L110। चित्र के माध्यम से समझते हैं, है रॉकेट बूस्टर S200 L110, ये लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद तीसरा सिस्टम शुरू होता है, तीसरा स्टेज जो है C25 क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक मतलब ये होता है, वैसे क्रायोजेनिक मतलब होता है बर्फ, एक द्रवित ईंधन है, माइनस टेम्परेचर में वो ईंधन रुकता है और आगे जैसे जैसे ऊपर जाता है वो रॉकेट क्रियाशील होता जाता है, रॉकेट को और स्पीड प्रदान करता है। तो अब हम देखते हैं ये जो है ऊपर का जो ये टोपी ऐसा है, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये है टोपी बड़ा सा, यही एक डिवाइस है, इसमें युक्ति है, इसी में लैंडर है, इसी में रोवर है, ये युक्ति यही चंद्रयान तक जाएगी। तो तीन स्टेजों को हम समझते हैं। अब रॉकेट देखिए जैसे ही लॉन्च हुआ, पृथ्वी से लॉन्च होने के बाद रॉकेट 16 मिनट के बाद रॉकेट अलग हो गया। ये चित्र आप देख सकते हैं एक एक समय का है, कितनी देर के बाद कौन सा रॉकेट का पार्ट हुआ और कब रॉकेट एकदम अलग हो गया, और ये यान मून की ऑर्बिट तक, लूनर की ऑर्बिट तक पहुंच गया। तो वर्किंग एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं S200, ये दो बूस्टर लगे हुए हैं, S200 दो बूस्टर लगे हैं, और दो मिनट बाद ये अलग हो जाते हैं, दो मिनट के बाद ये अलग हो जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है स्टेज टू, उसका शुरू होता है स्टेज टू, L110 स्टार्ट होता है, और 306 सेकंड के बाद L110 क्या करता है, ये भी रॉकेट से अलग हो जाता है, रॉकेट हल्का हो जाता है, स्पीड इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, 28,496 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रॉकेट की स्पीड, इसकी यान की स्पीड है। और पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2, पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इससे कम कोई पिंड या इससे कम स्पीड से कोई रॉकेट ऊपर जाएगा तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, एक ऐसी परत है, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा और पृथ्वी पर ही नीचे जलकर गिर जाएगा। तो ये है सिस्टम। उसके बाद तीसरा स्टेज शुरू हुआ, तीसरे स्टेज में क्या हुआ, तीसरे स्टेज में ये हुआ कि C25 स्टेज है और 954 सेकंड के बाद ये भी स्टेज अलग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 16 मिनट के बाद पूरा रॉकेट अलग हो गया। आप देख सकते हैं ये बूस्टर है, इसके बाद ये शुरू हुआ, इसके बाद ये शुरू हुआ, और ये युक्ति ऊपर चली गई, इसमें भी ईंधन है। तो फिर हमें धीरे धीरे इंटर कर गया और लूनर की ऑर्बिट की तरफ बढ़ गया, स्टेज समझ सकते हैं। यहाँ पर रॉकेट लॉन्च हुआ और 180 किलोमीटर के बाद रॉकेट अलग हो गया, और ये जो पिंड है, ये जो रॉकेट अलग, इसके बाद जो डिवाइस बची है आगे की, ये पृथ्वी का राउंड लगा रही है लगातार, लगाते लगाते थोड़ा फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे अपनी स्पीड बढ़ाई और धीरे धीरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पहुंचते पहुंचते यहां पर चला जाएगा। उसके बाद ये घूमते घूमते चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रथम यानी 1 अगस्त को चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा में ये लैंड कर जाएगा, चित्र के माध्यम से ये समझ सकते हैं। और ये आप चित्र ये देख सकते हैं, ये है ऑर्बिटर, ये है ऑर्बिटर, और ऑर्बिटर के बाद ये आता है आपका लैंडर, और ये है रोवर। ठीक, इसके बाद इसके बारे में हम कल आपको बता चुके हैं। तो उसके बाद ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड जो है लैंडर लैंड करेगा, उसमें से निकलेगी एक गाड़ी, गाड़ी को जिसे हम रोवर कहते हैं, उसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सोलर पैनल लगता है। तो ये
जो है पृथ्वी पर, ये चंद्रमा पर 14 दिन, 14 यानी लूनर डेज बोलते हैं, पृथ्वी के 14 दिन यानी एक लूनर डेज ये रुकेगा। तो ये कार्य प्रणाली इस तरीके की है। अब देखिए जो प्राउड मूवमेंट क्या है, किस बात के लिए इतना हम लोग उत्साहित हैं, तो गौरव के क्षण देख सकते हैं। ये गौरव के क्षण ये है कि लैंडिंग, अभी तक चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले जो सफल लैंडिंग जिन्होंने की है वो है यूएसए यानी अमेरिका और रूस, और उसके बाद है चीन। चीन के बाद अगर ये लैंडिंग सफल होती तो हमारा चौथा नंबर होगा, लेकिन इन सबसे भी हमारा नंबर आगे इसलिए है क्योंकि अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश ने सफल लैंडिंग नहीं करा पाई। तो लैंडिंग देश यूएसए, रसिया, चाइना, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी लैंडिंग नहीं करा पाया। और उम्मीद है अगर ये यान सफल हो, ईश्वर करे सफल हो, और तो ये हमारा इंडिया का नंबर पहला होगा जिसने दक्षिणी ध्रुव पर 70 डिग्री लैंडिंग कराई। मुश्किल क्या है, आखिर अभी तक यहाँ पर लैंडिंग क्यों नहीं हुई? तो मुश्किल यह है कि पहली बात, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश न होने के कारण अंधेरा के अलावा यह होता है वहां कोई ईंधन, अब किसी अभियान जो युक्ति बची है उसमें कोई जो फ्यूल तो पड़ेगा नहीं, तो वहां पर क्या होगा, सूर्य की रोशनी से ही सोलर पैनल है, सौर ऊर्जा की सहायता से सारी एक्टिविटीज इंप्लीमेंटेड की जाएंगी, उसी से इंप्लीमेंटेशन होगा, क्रियाएं होंगी। तो सूर्य की किरणें नहीं है तो ये चांस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद क्रेटर है, क्रेटर गड्ढे अधिक हैं। क्रेटर का मतलब होता है ज्वालामुखी, अगर कहीं रहे होंगे तो ज्वालामुखी जो गड्ढे होते हैं उनको हम क्रेटर कहते हैं। इस तरीके चित्र के माध्यम समझ सकते हैं, ये है ज्वालामुखी और इसका एक गड्ढा, इसी को हम क्रेटर बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा -230 अंश सेंटीग्रेड जो माइनस में है टेम्परेचर, ये वहां पर है। तो इसलिए अभी तक किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो वहां पर सफल लैंडिंग करे। और सबसे बड़ी बात है इस अंतरिक्ष यान में, यानी इसको लॉन्च करने में 610 करोड़ रुपया लगा है, 610 करोड़ की राशि लगी है, जितने में एक अभी एक मूवी आई थी आदि पुरुष, वो बनकर तैयार हुई थी। ये मूवी आई, उसने क्या किया आप सब जानते हैं, कंट्रोवर्शियल मूवी रही है। और ये अंतरिक्ष यान जाकर इतिहास में एक सुनहरा आयाम लिखेगा हमारे अंतरिक्ष इतिहास में। तो ये इस तरीके की इसकी जर्नी रहेगी और देखते हैं ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो आइए फिर एक नजर देख लेते हैं कि कितने चंद्रयान अभी तक चंद्रमा तक पहुंचे और कितने सफल हुए और कितने असफल हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 15 अगस्त 2003 को चंद्रयान मिशन की औपचारिक शुरुआत थी, जो हमारे माननीय श्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रयान प्रथम की। चंद्रयान प्रथम में क्या हुआ, 22 अक्टूबर 2008 को ये सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश में है। और इसका एक ही मिशन था, ये सिर्फ ओनली ऑर्बिटर मिशन नहीं करनी थी, सिर्फ चंद्रमा की ऑर्बिट में घूमना और उसी हिसाब से अपने अनुसंधान करना, खोजे करना, ये इसका लक्ष्य था। और इसका सबसे बड़ा, इसकी सबसे बड़ी बल्कि विश्व की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि इसमें जल की खोज हुई, और जल कैसा था, चंद्रमा पर पानी की खोज हुई जो कि ठोस रूप में था। और इससे और इसको PSLV C-11 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रयान टू। चंद्रयान टू 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, जो रॉकेट था लॉन्चर इसका नाम था GSLV MK-3 और वेट था इसका 38 किलो 50 ग्राम। इसमें क्या था, ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था। तो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये है ऑर्बिटर, ये है रोवर, ये है लैंडर। तो फिर क्या, ये भी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, इसको दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन क्या हुआ, अचानक युक्ति की डिवाइस की अचानक यान की गति बढ़ गई 2.1 किलोमीटर पर सेकेंड, और उससे क्या हुआ, ये इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और ये क्रैश हो गया। उसके बाद बात करते हैं चंद्रयान थ्री। चंद्रयान थ्री के बारे में चंद्रयान थ्री के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं, फिर भी कुछ फैक्ट बचे हैं उन्हें हम देख लेते हैं एक नजर। इसमें क्या सुधार किया गया, क्या सुधार हुआ चंद्रयान थ्री में देखते हैं। ऑर्बिटर नहीं है, ऑर्बिटर हमारा पहले वाला 2019 वाला ऑर्बिटर अभी भी अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको क्या करना, उसको असेंबल करना, उसी में जोड़ना है, उससे काम चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सोलर पैनल, इसके सोलर पैनल अच्छे से लगाए गए हैं, ज्यादा लगाए गए हैं, बढ़िया टेक्नोलॉजी से सब सही किया गया। उसके देखते हैं प्रणोदक मॉड्यूल यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल
जिस प्रकार से जो प्रपल्सन का मतलब होता है, जो ईंधन गया है उसका मॉड्यूल क्या है उसको हम देखते हैं, जो कि नेविगेशन की सहायता से इसमें अब की शुरू किया गया है, नेविगेशन की सहायता ली गई है इसमें। और फ्यूल ज्यादा इसका मतलब ईंधन ज्यादा। अगर ईंधन ज्यादा मतलब ये होता है, मान लो कि जो हमारे वैज्ञानिकों ने टारगेट किया है वहां पर न लैंड पाए, सफल लैंडिंग ना हो पाए, तो क्या हो, फ्यूल इतना ज्यादा हो कि अलग दूसरी जगह पर उसको अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सके। एक अच्छी सोच है, बढ़िया है। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंडर जो है वो मजबूत किया गया, ये लैंडर है लैंडर मजबूत किया, इसकी जो टांगे हैं उसको मजबूत किया गया है इसमें, और भी हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, उसकी टांगे मजबूत की गई हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना जाए। चांद की दूरी 384,000 लगभग 400,000 किलोमीटर है, तो इतनी दूरी उपभोग, तो इस समय उपभोग की स्थिति है, इसलिए जुलाई में ही ज्यादातर चंद्रयान मिशन लॉन्च किए जाते हैं। तो ये लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो आज का वीडियो इतना ही, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें, मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।